अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं KNN न्यूज लाइव। मैं हुमायूं तारिक। नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। इमरान खान का मंगल से लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू करने का ऐलान। कहते हैं वजीराबाद से दोबारा लॉन्ग मार्च शुरू होगा। शुरका से हर रोज किताब करूंगा। मार्च 10 से 15 रोज में रावलपिंडी पहुंचेगा तो खुद आकर लीड करूंगा। शहबाज शरीफ के जुडिशियल कमीशन के क्याम को खुशामदीद कहता हूँ। चाहता हूँ साफ और शफाफ तहकीकात हो। जुडिशियल कमीशन सबसे पहले सहाफी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात करे। पंजाब में हमारी हुकूमत है, 3 दिन से मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा। वजीराबाद वाकया पर इमरान खान के इल्जाम जवाब और फिर इल्जाम। हालात सुधरने की आखिरी उम्मीद। सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर। इमरान खान की नई प्रेस कॉन्फ्रेंस के भी वही 3 पार्ट। सिर्फ इल्जाम ही इल्जाम, सबूत क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? अपनी ही पंजाब हुकूमत आईजी पंजाब पर इल्जाम से क्या मसला हल होगा? अगर पंजाब में इनका इख्तियार नहीं तो हुकूमत से अलग क्यों नहीं होते? जब वाजह हो चुका कि तनाजे का हल सुप्रीम कोर्ट से निकल सकता है तो लॉन्ग मार्च पर इतराज़ क्यों? वजीराबाद वाकया के बाद जलाओ घबराओ मुनज़्ज़िम मनसूबा बंदी से होने का इंकशाफ। पीटीआई के चीफ आमिर डोगर की ऑडियो लीक ने मनसूबा बंदी का भांडा फोड़ दिया। तमाम MNAs को अपने इलाकों में 3 रोजा एहतजाज की हदायत दी गयी। PTI की प्रोपोगंडा मशीनरी ने एहतजाज को शदीद अवामी रद्द अमल बनाकर पेश किया, लेकिन आमिर डोगर की आरडीओ ने जलाओ घबराओ को अवामी रद्द अमल जाहिर करने का पोल खोल दिया। वाइस चेयरमैन साहब और असद उमर साहब सेक्रेटरी जनरल साहब की तरफ से खास तौर पर सख्ती से हदायत आई है कि आप तमाम MNA साहबान अपने अपने रीजन के रीजन प्रेसिडेंट से हदायत लेंगे कि आपको कौन सा पॉइंट उन्होंने अलॉट किया है जहां आज शाम से आपने एहतजाजी मुजाहरा धरना करना है, रोड ब्लॉक करनी है। हुकूमत से कहता हूं इमरान खान से बिल्कुल नरमी की जरूरत नहीं, डट जाएं। मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि इमरान खान की हड्डी का इलाज कैंसर अस्पताल में किया गया। डॉक्टर्स के अपने बयान में तजाद है। इमरान खान ने अदाकारी में शाहरुख और सलमान खान को पीछे छोड़ दिया। बम के टुकड़े होते हैं, गोली के टुकड़े नहीं। फॉरेन फंडिंग फितना। पंजाब इंतजामिया को गलत FIR कटवाने पर प्रेशराइज कर रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत मरियम औरंगजेब की इमरान खान पर तनकीद। कहती हैं वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखला और सीनियर अफसर पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, मगर वज़ीराबाद के थाने में FIR नहीं कटवाई जा रही। ये गैर कानूनी मुकदमा दर्ज कराने पर बज़िद है। वजीराबाद के वाकया के हकायक कौम के सामने आने चाहिए। लाहौर में पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं इमरान खान के साथ मशरूत मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुज़ाकरात मुतालबात पर होते हैं, शरायत पर नहीं। जमहूरियत डायलॉग से चलती है, डेडलॉग से नहीं। पंजाब में शदीद इंतजामी बहरान। IG पंजाब की सूबाई हुकूमत के साथ काम करने से माजर। तहसील शाहकार ने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को मुरासला भिजवा दिया। दरख्वास्त में मौकफ अपनाया कि मौजूदा अमूर जारी रखना मुमकिन नहीं, खिदमात वफा के सबूत की जाए। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी की जानब से पंजाब पुलिस की यूनिफॉर्म से मुतल्लिक नाजेबा अल्फाज। शाह महमूद कुरैशी का अपनी ही पंजाब हुकूमत के IG पुलिस फैसल शाहकार से ओहदा छोड़ने का मुतालबा। पंजाब पुलिस ने PTI रहनुमा के बयान को अफसोसनाक करार दिया। तर्जमान पुलिस का कहना है कि पुलिस सियासी मफादात से बिलातार होकर प्राइसर अंजाम दे रही है। आजम सवाती की मुबैना वीडियो लीक मामले की तहकीकात। चेयरमैन सैनेट सादिक संतरानी ने 14 रुकनी स्पेशल कमेटी कायम कर दी। आजम नजीर तारर, मोहसिन अजीज, यूसुफ रजा गुलानी, गफूर हैदरी, अनारुल हक भी कमेटी में शामिल। खसूसी तहकीकाती कमेटी को 30 रोज में रिपोर्ट पेश करने की हदायत। आजम सवाती का जुडिशियल रेस्ट हाउस में वीडियो रिकॉर्डिंग का इल्जाम। सुप्रीम कोर्ट ने आजम सवाती के इल्जाम की तरदीद कर दी। सुप्रीम कोर्ट अलामिया के मुताबिक जुडिशियल रेस्ट हाउस कोयटा का इंतजाम रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट के पास है। जुडिशियल रेस्ट हाउस में सिर्फ मौजूदा और रिटायर्ड जजेस क्याम कर सकते हैं। आजम सवाती ने सुप्रीम कोर्ट रेस्ट हाउस में कभी क्याम नहीं किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अहम दौरे पर मिस्र पहुँच के काबीना के अरकान और आला सतह का वफ़द भी हमरा। अक़वामे मुत्तहिदा की मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल का हिस्सा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर मम्लिकत बराए ख़ारजा अमूर हिन्ना कुरबानी खड़ ने इराक के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर फवाद की मुलाकात। दो तरफा तलुकात और मुश्तरका दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। खबरों में फिलहाल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें KNN न्यूज़ लाइव।